जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आऊँ ममता चंद्राकर। दीदी, आप सबसे पहले ये बताइए कि दर्शक मन आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य साहित्य काबर चुने हो। छत्तीसगढ़ी लोक गीत नृत्य के विधल में एक कारण चुने हूँ कि मोर पिताजी स्वर्गीय दाऊ महासिंह चंद्राकर जी उखर एक सपना रही कि छत्तीसगढ़ के लोक कला में दूर दूर तक पहुँचाऊँ, जो विलुप्त हो लोक गीत है वो गीत मन जनता के सामने लाऊँ। उखर ये सपना ला पूरा करे बर मैं ये विधाला चुने हूँ। आपके परिवार और आपके सपोर्ट परिवार से किस तरह मददगार आपला साबित हुई से? वो तो मैं कहूँ कि मोला बचपन से ही, मतलब कहते ना कि जन्म से घुट्टी में पिलाए जाते हैं, वैसे घुट्टी में पिलाए गए। मोर पिताजी हा संगीत के बहुत शौकीन रही था, ओकर साथ साथ मोर माता भी हा ओला पूरा पूरा सपोर्ट मिले करें और वो सपोर्ट के कारण से मैं हाँ ये विधाला आगे बढ़ाए में कामयाब रही हूँ। जैसे कि हम पता चले हैं आपके कई सारा लेख और किताब भी हमन पढ़े हैं, जिसमें आपके करियर के पूरा सब चीज हमन पढ़े हैं, ते में आपला कैसे कैसे और किन किन दिक्कत के सामना करना पड़ी से? देखो, महिला होए कारण दिक्कत तो बहुत आते हैं। सबसे पहली बात तो कि समाज एक्सेप्ट नहीं करे, समाज स्वीकार नहीं करे कि एक लड़की है गाना गाए मंच में जाए, तो वो तो सामाजिक जो परिस्थिति रही से ओला हम बहुत छेदे हन और वो झेला। लेकिन मोर पिताजी के मोर संबल बहुत ज़्यादा रही, मोर माता के बहुत सपोर्ट रही, तेका कारण ये सब चीज़ है सहन कर लेन हमने और आगे बढ़त गए। छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति, आपके पिताजी है माँ सिंह चंद्राकर जी एक बहुत अच्छा कलाकार रही से, वो कलाकार की जीवनी में वो सब जीवनी लोग जी के देखी से, जिनमें कलाकार के साथ का अच्छा होते का बुरा होते, कलाकार कैसे संजोए जाते, कलाकार ला कैसे बनाए जाते है ना, ओकर साथ साथ आप भी पूरा जीवन ला वो में व्यतीत करो, एमे आपके मार्गदर्शन में आपके आने वाला पीढ़ी ला आप का संदेश देना चाहूँ? देखो, रास्ता कठिन जरूर होते, लेकिन मैं ये नहीं कहूँ कि रास्ता तय नहीं किए जा सके, ये जरूर है कि आप प्रयास करत रहो, जरूर सफलता मिली। और मोर सफलता के पीछे पीछे ठीक है अकेले से नहीं हुए, लेकिन सपोर्ट जहाँ रहते परिवार के जहाँ सपोर्ट मिलते वहाँ निश्चित रूप से आप ला कामयाबी मिली। और आप परिवार के सपोर्ट ना भी है, आपकी इच्छा शक्ति यदि है तो वो पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं है। नाचा गम्मत के जनक कहे जाने वाले मंदराजी दाव के नाचा में आपन सर्व समर्पण, आज की पीढ़ी मल्ला का संदेश देना चाहूँ? देखो, वो कहते ना कि वो एक नया चीज नया प्रयोग कर रही हूँ कि जो खड़े साज के नाच रही से ओला बैठे साज के नाच बने, और जहाँ महिला पात्र मन के नहीं होती नाचा में महिला पात्र वर्जित रही से ओला एक नया प्रयोग के रूप में महिला पात्र लाइन, तो नया चीज हमेशा स्वीकार किए जाते, कभी कभी विरोध भी होते, लेकिन वो विरोध ला सही के यदि आदमी अपन काम अपन निष्ठा के साथ चलते तो वो निश्चित कामयाबी मिलते। तो वो वही चीज ला लेके हम भी चलत हन कि कुछ नया चीज हो जाए, केवल यही है कि आत्मा ना मरे तो सब चीज अच्छा है। दीदी, हम आपसे ये जानना चाहबो, जब आपला पद्मश्री मिली, आप वो पद्मश्री श्रेय आप अपन संस्कृति ला किस प्रकार से और आने वाला पीढ़ी ला का रूप से देना चाहूँ? देखो, सबसे पहले तो मैं पद्मश्री पर अपन माता जी देखकर बहुत बड़े सपना रही से, वो हमेशा सपना देखे कि तुला ये अवार्ड कब मिली करके, तो वो उखर सपना पूरा हुई एक लिए मैं अपन माता जी ला जो स्वर्गवासी हो गए हैं उनला समर्पित करना चाहूँ। और दूसरा ये है कि मोर पति मिस्टर प्रेम चंद्राकर जी एक हर बार मोला पूरा पूरा सपोर्ट, आज तक मैं ये फील्ड में जमे हुए हूँ, मतलब 60 बरस पूर्ण कर चुके हूँ मैं अपन, लेकिन ये फील्ड में पूरा करत हूँ तो उकर लिए श्रेय जाते हैं मोर पति प्रेम चंद्राकर जी ला। अच्छा, आपसे आखिरी के दो सवाल दे लेना चाहूँ दीदी, अगर आप दाऊ मंदराजी से मिले होता, अगर नहीं मिले तो उकर व्यक्तित्व कैसे रही उकर बारे में है ना, ठीक है? दीदी, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँ, क्या आप दाऊ मंदराजी से मिले रहो? नहीं, मिल तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व के बारे में सुने रहे हूँ कि वो बहुत डिवोटेड कलाकार रहीन है, नाचा के प्रति समर्पित रहीन है। मैं कहूँ ये जो विधा आज जो देखा था हम उकर विरोधा वही मानता हूँ पूर्ण रूप से, का कहते जो पहली परंपरा रही वो नया रूप में ली, वो जो रूप ला रही है आज भी चलन में है। दीदी, आपसे एक सवाल, दाऊ मंदराजी जी की फिल्म आगामी 28 जून के आते हैं, तो आप दर्शक बार और दर्शक ला एक बार आए बार का मैसेज दूं? 28 जून को पहली बार छत्तीसगढ़ के कोई कलाकार मूर्धन्य कलाकार जिक हूँ मैं, एक बायोपिक
बने हैं और ये फिल्म है टॉकीज में लगने वाला है, तो मैं दर्शक ले यही चाहूँ कि वो भरपूर ये फिल्म का आनंद उठाएं और लगते कि कला और संस्कृति के उजागर करिया ये मूर्धन्य कलाकार ला सच्चा श्रद्धांजलि हुई है।